हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल साइनाइट। इसमें हम बात करते हैं नए और बेहतरीन हाउस प्लान और उनके 3D फ्रंट डिज़ाइन के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास एक प्लॉट है जिसका साइज़ 15x45 है और आप उसमें घर बनाने के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा, फैमिली और नेबर से डिस्कस करने के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें प्लानिंग कैसे करें, दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15x45 फुट के कुछ हाउस प्लान, एक टाइप का नहीं बल्कि तीन तीन टाइप का। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, मैं तीन तरह के इसमें आपके लिए हाउस प्लान लेकर आया हूँ। कोई प्लान 2 BHK है दोस्तों, कोई प्लान 3 BHK है। तीनों ही प्लान बहुत बेहतरीन है दोस्तों, 2 BHK और 3 BHK जैसे मैंने बताया। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें तीनों में से कोई एक प्लान आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ज़रूर करेगा। दोस्तों, आप इस अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं, नेबर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको सारे प्लान जल्दी जल्दी बहुत अच्छे से समझाऊंगा और लास्ट में मैं इस प्लान तीनों प्लान्स को कंपेयर भी करूंगा दोस्तों, कि किसमें क्या चीज़ का एडवांटेज है, किसमें क्या चीज़ का डिसएडवांटेज है। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक 15x45 फुट का 2 BHK हाउस प्लान है, आप देख सकते हैं। दोस्तों दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आगे दिया गया है एक मेन गेट, जिसमें स्टेयरकेस बाहर से ही है, लैट्रिन और बाथरूम बाहर की तरफ ही है। गेट आप बड़ा लगा सकते हैं, इसमें आप 2 व्हीलर पार्किंग कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 2 बाइक इसमें पार्क हो सकते हैं बड़े आराम से। स्टेयर केस बाहर से ही है, 4 फुट का पैसेज है। इसमें 2 बेडरूम हैं, सबसे पीछे बड़ा बेडरूम है, उसके बाद एक किचन है जो कि काफ़ी सफिशियंट साइज़ का मिल रहा है, 6x8 का बहुत बड़ा किचन मिल रहा है आपको। एक चौक मिलता है जिसको लॉबी है, 8x8 की एक लॉबी मिल जाती है आपको दोस्तों। और एक और ये ड्राइंग रूम का काम करेगा, आप इस बेडरूम भी बना सकते हैं 10x11 का। तो दोस्तों, एक बेहतरीन प्लान है, आप देख सकते हैं। इसमें एक बड़ा बेडरूम मिल रहा है, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, टॉयलेट और पोर्च मिल रहा है दोस्तों आपको इसमें। दोस्तों आइए दूसरा प्लान देखते हैं। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, मैं इसमें तीनों प्लान्स को कंपेयर करूंगा एंड में, तो आप देखते रहिए, मैं डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों ये पहला प्लान मैंने आपको बताया, इसके बगल में दूसरा प्लान आप देख सकते हैं रखा है। दोस्तों इसमें आगे से पोर्च दिया था, इसमें पोर्च नहीं है, स्टेयर केस है सामने से। एक ड्राइंग रूम इसमें बाहर की तरफ दे दिया गया है, क्योंकि 7.5x काफ़ी बड़ी डेप्थ है, 14 फुट की डेप्थ मिल रही है आपको इसमें। उसके बाद एक बेडरूम है जो कि 10x10 का है, एक किचन का साइज़ है, सेम है ऑलमोस्ट। पीछे एक बेडरूम है जो कि 10x10 का है, और एक टॉयलेट आपको मिल रहा है 4x10 फुट का। बीच में जाल डलेगा दोस्तों, लॉबी खुली है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये भी एक बहुत बेहतरीन प्लान है। दोनों प्लान को देखिए दोस्तों, इसमें 2 BHK है, ये 3 BHK है सेकंड वाला। दोस्तों आइए तीसरे प्लान की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी एक 2 BHK प्लान है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसमें डिफरेंट क्या चीज़ है, पीछे का बेडरूम सेम है, किचन ऑलमोस्ट वहीं पर है, साइज़ चेंज हो गया थोड़ा सा, टॉयलेट है वहाँ पर किचन के बाद। एक बेडरूम आता है दोस्तों, इसमें शॉप एक्स्ट्रा चीज़ है, आप देख सकते हैं। एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, टॉयलेट, और इसमें शॉप बढ़ गई है। आगे सेकंड वाले प्लान में आगे ड्राइंग रूम था जो कि लंबा था, लेकिन इसमें साइजेस चेंज कर दिए गए हैं, शॉप का साइज कम है, ड्राइंग रूम का ज़्यादा था। तो दोस्तों ये 2 BHK है प्लस शॉप के साथ। अगर आपका हाउस ऐसे एरिया में है जहाँ पर शॉप की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तो आप यहाँ पर शॉप भी बना सकते हैं। दोस्तों आप, मैं तीनों प्लान्स को कंपेयर कर रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैंने आपको तीन प्लान दिखाए जो कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, और दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास प्लान है, अब आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों हमारा गोल यही रहता है, हमारा एम यही रहता है कि घर आपका ही है, रिक्वायरमेंट भी आप ही की होनी चाहिए, बस आइडिया हमारा होगा। दोस्तों आप इंजीनियर से कंसल्ट कर रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री होकर बनाइए घर, आपका घर बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तीनों में से कोई से भी प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों प्लान बेस्ट हैं। आइए दोस्तों तीनों प्लान को कंपेयर कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों आपके सामने ये तीनों प्लान्स हैं, आप देख सकते हैं। सबसे कॉमन चीज़ पहले क्या है, तीनों में बेडरूम है, एक एक बेडरूम है, लेकिन ये जो सेकंड वाला प्लान है इसमें 2 बेडरूम मिल रहे हैं। एक इसमें एक बेडरूम है, इसमें 2 बेडरूम है, इसमें एक बेडरूम है। इनकेस आपकी फैमिली अगर थोड़ी बड़ी है, आपको 2 बेडरूम का रिक्वायरमेंट है ड्राइंग रूम सेपरेट के बाद, तो आप इस वाले प्लान को प्रेफर कर सकते हैं। सेकेंड चीज, तीनों में एक एक ड्राइंग रूम है जो कि कॉमन है, किचन तीनों में कॉमन है दोस्तों, टॉयलेट कॉमन है, बस जगह बदल गई है। पहले वाले प्लान में एक्स्ट्रा क्या चीज़ है दोस्तों, पोर्च एक्स्ट्रा है इसमें। इन केस अगर आपको रिक्वायरमेंट है पोर्च का, 2 ही बेडरूम आप बनाना चाहते हैं, तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। इसमें आप व्हीकल पार्किंग बड़े आराम से कर सकते हैं, अगर आपके घर में ज़्यादा व्हीकल हैं, बच्चे हैं, साइकिल वगैरह हैं, तो ये प्लान दोस्तों आपके लिए बेस्ट है। इसमें दोनों बेडरूम का साइज़ भी बहुत अच्छा है दोस्तों। सेकेंड वाला प्लान में देखिए दोस्तों, एक रूम एक्स्ट्रा है। इनकेस आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, आपको रूम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो 2 बेडरूम के साथ एक ड्राइंग रूम सेपरेट है। तो दोस्तों इसमें एक रूम सेपरेट है, एक रूम एक्स्ट्रा है, तो ये प्लान
इन केस अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ये प्लान भी बेस्ट है दोस्तों। तीसरे प्लान की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरे प्लान में दोस्तों एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है। आप चाहें तो दोनों को बेडरूम बना सकते हैं। किचन टॉयलेट सेम है। एक्स्ट्रा इसमें शॉप है दोस्तों। अगर आपका प्लॉट ऐसे एरिया में है जहाँ पर शॉप की रिक्वायरमेंट है और शॉप की डिमांड है तो आप शॉप बना सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप शॉप बनाना चाहते हैं तो शॉप बना सकते हैं दोस्तों। इसमें भी एक व्हीकल पार्क हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो व्हीकल को आगे ले जाकर दूसरा भी पार्क कर सकते हैं। 4 फुट का पैसेज बहुत वाइड है। तो दोस्तों आपके सामने ये तीनों प्लान है दोस्तों। तीनों प्लान में यहाँ पर आप डोर लगा सकते हैं, डोर जो कि हमने दिए हुए दिखाए हैं यहाँ पर, ताकि इससे पैक हो जाएगा। इन केस अगर आप रेंट पर्पज से ऊपर चढ़ा देना चाहते हैं या आप ही के पास दो फैमिलीज हैं जो दो फैमिली ऊपर नीचे रह सकती हैं, तो ये प्राइवेट हो जाएगा। एक एक फैमिली किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो दोस्तों आपने देखा तीनों प्लान मैंने आपके सामने कंपेयर किए और तीनों ही प्लान बेस्ट हैं। तो दोस्तों मैंने तीनों ही प्लान आपके सामने कंपेयर किए। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो अपनी फैमिली अपने फ्रेंड से कंसल्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए और एक बेस्ट प्लान को सेलेक्ट कीजिए। आपको आप किसी शर्मा जी, वर्मा जी या धीमान जी या खान साहब से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ्रेंड से अपने फैमिली से डिस्कस कीजिए, आपके रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग एक बेस्ट प्लान को सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों ये बेहतरीन प्लान है, आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस एक प्लान को सेलेक्ट करने की ज़रूरत है जो कि आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट। और दोस्तों आपको कौन सा प्लान पसंद आया है जो कि आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए दोस्तों। और आपको ये प्लान पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।